चलिए खबरों में बात करेंगे अब राजधानी दिल्ली की, जहां पर आदिवासी महिलाओं के उत्तराधिकार से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने कहा कि जब गैर आदिवासी की बेटी पिता की प्रॉपर्टी में समान हिस्सेदारी की हकदार है तो आदिवासी बेटी को इस तरह के अधिकार से वंचित करने का कोई भी कारण नहीं है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र को इस मुद्दे की जांच करने और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रोविजन में संशोधन पर विचार करने का निर्देश भी दिया है। सुप्रीम अदालत का यह निर्देश उस याचिका को खारिज करने के फैसले में आया है कि क्या अनुसूचित जनजाति से संबंधित एक बेटी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रोविजन के तहत सर्वाइवरशिप के आधार पर एक्यूड लैंड के संबंध में मुआवजे में हिस्सेदारी की हकदार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत के संविधान के तहत जिसके समानता के अधिकार की गारंटी दी जाती है, लेकिन आज़ादी के 70 साल बाद भी आदिवासी की बेटी को समान अधिकार से वंचित किया जा रहा है। केंद्र सरकार के लिए इस मामले को देखने के लिए सही समय है और यदि आवश्यक हो तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रोविजन में संशोधन करना चाहिए।